हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल जो मेरे सामने आया है, और अक्सर ऐसे सवाल मेरे सामने आते ही रहते हैं, शायद आपके भी मन में ये सवाल हो, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सवाल है सेल्स वाउचर का, तो F8 प्रेस करके सीधा आ जाएंगे सेल्स वाउचर में। लेकिन सवाल जरा समझिएगा किस तरह का सवाल है। सवाल ये है कि आपको टैली में एक ऐसी एंट्री पास करनी है जिसमें स्टॉक आइटम ही नहीं है। इस तरह की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ये स्टॉक आइटम ना होने वाला सवाल है क्या? मतलब दिया गया है कि 50,000 रुपये का घी सेल कर दिया, ठीक है। तो अब ये एंट्री कैसे पास होगी? 50,000 रुपये का घी सेल किया, ठीक है। अब ये तो दिया गया है कि घी सेल किया, ये तो दिया गया है कि कुछ सेल किया है। अब कभी कभी तो नाम भी नहीं रहता है। मान लीजिए हमने दे दिया घी सेल किया 50,000 रुपये का, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नाम ही नहीं रहता है, 50,000 रुपये का कोई भी स्टॉक आइटम सेल कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में आप कैसे एंट्री पास करेंगे, ये सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहां पर दिया गया चेंज मोड। अब हम सेल्स वाउचर में ही हैं, अगर आप नहीं है तो F8 प्रेस करके आ जाइएगा। और आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल और कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आ जाना है। आ गए, यहां पर आपको पर्टिकुलर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब आपको ये यहां पर रेफरेंस नंबर डालना होगा, और आप किसको बेच रहे हैं सामान वो देख लीजिएगा। जैसे हम अपलग डी को बेच रहे हैं, ठीक है, और ये उधार में बेच रहे हैं, एंटर करेंगे, पैसा बाद में लेंगे इसे। और यहां पर आ गए, अब यहां पर कोई भी चीज 50,000 रुपये की बेच दी गई है इनको। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेल्स का लेजर आएगा, एस प्रेस करेंगे, यहाँ सेल्स का लेजर आएगा, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट है, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट का लेजर लगाएंगे, कितने का सेल हुआ, 50,000 रुपये का। तो ये 50,000 यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 50,000। अब इस पर सीजीएसटी एसजीएसटी भी आएगा, तो सीजीएसटी आ गया और एसजीएसटी भी आ गया। भाई जितने का सेल किया उस पर जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, तो सीजीएसटी आ गया, एसजीएसटी भी आ गया, दोनों 50,000 पे ही कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। और एंटर करेंगे और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिमिट सेट किया गया है कि आप लोग को 10,000 से ज्यादा सामान नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस तरीके से करके आप एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लिमिट हटानी है, तो हटाने का ये तरीका है कि यहाँ से बाहर जाइए और यहाँ पे आप लोग के लेजर में चले जाइए। तो ये आ गया लेजर में, और यहाँ पर जाकर के ये जो लिमिट है, यहाँ पे देखिए ये जो लिमिट लगा दी गई है, ये लिमिट हटा देनी है हमें, ठीक है, ये लिमिट हटा देंगे हम, ठीक है। ये जो लिमिट दिया गया है क्रेडिट लिमिट, तो यहाँ पर हम कुछ और डाल देंगे, जैसे 10 लाख डाल देंगे या कुछ भी ऐसे डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, एंटर करेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जब ये वही एंट्री हम पास करेंगे तो वो एंट्री पास हो जाएगी। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, ये हो गया, यहाँ पर रेफरेंस नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा डेटर पार्टी का नाम, तो अपलग था, हमारे डेटर पार्टी का नाम, एंटर करेंगे और एंटर करके 50,000 रुपये का सेल किया है हमने। तो यहाँ 50,000 सेल कर देते हैं, सेल्स अकाउंट का लेजर लगाते हैं और यहाँ 50,000 डाल देते हैं, तो बस काम हो गया ये। और यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी जो कहा था, तो यहाँ पे लगा देता हूँ एसजीएसटी और नीचे लगा देता हूँ सीजीएसटी, दोनों ही के लेजर लगा दिए और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। तो इस तरह का सवाल तो बड़े आसानी से जवाब दिया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो संडे को लाइव क्लास चलती है 7 बजे से, उसमें जरूर जुड़िएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।